रिसर्च श्योम सिंह हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बच्चे होंगे, सेफ होंगे और घर पे होंगे। तो आज कुछ नया है, आज मैं लेके आया हूँ अल्टीमेट सलमान खान ठग ठग लाइफ बिग बॉस सीजन 4 से फॉलो कर रहा हूँ और अब तक बिग बॉस देख रहा हूँ। तो चाहता था कुछ क्लिप ज्वाइन कर करके उस पर रिएक्शन दे, तो कुछ नया करने की कोशिश की है। आप भी थोड़ा कोशिश करो लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट के द्वारा। आते हैं वीडियो पे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 10 फाइट जो हुए अभी तक बिग बॉस में उसको मर्ज करके ये वीडियो बनाया हुआ है। हे अविगो, इफ यू आर ऑल्सो बिग यूज फैन ऑफ बिग बॉस तो आपको ये फाइट का सीन याद होगा। आते हैं वीडियो पे। कभी भी किसी का खुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाएगा। माय गॉड, प्रिय वाला कैरेक्टर है 1978 वाला। खुलिया ही बदल जाता है। ओ वांटेड सुल्तान, ईच एंड एवरी लुक, आई नो दैट बट आई हैव सीन ईच एंड एवरी मूवी। ओके, तो टॉप 10 फाइट्स जो बिग बॉस में हुए हैं, एंड नंबर 1 कितने, कौन सा अभी तक देखा नहीं वीडियो, प्रियंका जग्गा का फाइट हुआ था। एंटरटेन किया मैंने? मैं पूछ रहा हूँ, आपने काफी एंटरटेन किया। मैंने भी आपसे पूछा किसे एंटरटेन किया। आई नो दैट 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 सीन। जो आपका जो टोन है ना मैडम, वो आप उससे मत कर, अभी बोल भी किसके सामने रही है भाई। मैंने बोला मैंने किया था। सीक्रेट रूम में जाने से पहले मुझे आज ही जाना है। सिट डाउन देयर क्वाइट। आई डोंट वांट टू जा सकते हो। और ये नॉमिनेट भी हो गए थे दैट टाइम, मुझे याद है, देखा है वो। ये कभी भी इस शो पे आई, कलर्स चैनल पे आई, आई विल नेवर वर्क विद कलर्स। ठग लाइफ पारस के साथ फाइट हुआ था। मायरा, जो आप दोनों कह रहे हैं ये फ्रेंडशिप नहीं लग रहा है, इट्स मोर देन फ्रेंडशिप। सर ये प्लीज क्रिएटर्स को बोलो ये बेकार की बातें नहीं करें पीछे से, क्योंकि यूजलेस क्रिएटर्स नहीं है। मैं कर रहा हूं। शी हैज कॉल्ड मी अप टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। ए पारस, मैंने तो बोला कि ये जो नाम मुझसे मत यूज करना, ये ब्लेम्स हैं, बेकार के ब्लेम्स हैं। मुझे नहीं पता कहां से आ रहे हैं पर बेकार के ब्लेम्स हैं ये। पेन मिल गई यहां पर, दिमाग खराब हो गया। सर मैं ब्लैक, सर एक मिनट सर, आपसे मैं कुछ तरीके से हूं ना, 2 मिनट ये। ये सीन बहुत हार्ड पर क्या था कि कीप योर वॉइस डाउन डाउन। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एजाज खान, दैट वॉज सीजन आई थिंक 4th, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 या 5 था। और ऐसा दिया करके तुम ये गए? अरे वैसे तुम भी बुरी नहीं हुआ, बहुत अच्छा था। मेरा भाई है ना साइड में, एजाज भाई, उसको भी तो बिल्लू नहीं होने लग रहा कि नहीं नहीं भाई, ये तो टास था, टास के लिए गेम खेल रहे मेरे साथ ऐसा क्या। और एजाज वाह बोला था तुमको वाह। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद ना छोड़ना। दैट वाज सीजन 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब भी लात पड़ती है तो आदमी 2 कदम आगे ही जाता है। हां भाई, समझ में आ रहा कि मैं इतना आगे क्यों निकल आया? अब मैं तो चांस में रहता हूं कितने देर को लात। ये बोलते ना कि मैं जिंदगी भर तुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूं, अबे जरूरत नहीं है, मैं आगे निकल गया हूं। भाई मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मैं नहीं था रे मेरा भाई। हिंदुस्तानी भाई के साथ भी थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ। आज ये शो ना मैं लेटे लेटे ही कर देता हूँ, अब बताऊंगा कि सोते सोते लेते कैसे। सबसे ज्यादा घर में कौन सोता है? विकास पाठक घर के अंदर सिर्फ सोने को आया है क्या? अपना दिमाग जरा कम लगा, जरा जबरदस्ती का ब्लेम नहीं करने का। सॉरी भाव, मैं जबरदस्ती का ब्लेम क्या? नहीं आपका नहीं, आपका नहीं सर। देखो भाव, अभी मैं बोलता है कि आज का शो में आप सोएगा। तू तो रात ठीक है, सिचुएशन बड़ी रास्ती है, तेरा स्माइल बहुत हार्ड, बाकी सब ठीक प्लास्टिक है। इमाम के साथ दैट दैट सीन, इस गेम की इतनी समझ है जो करता पहले कुछ तो बोला था। सीजन 6 अलग 6 जीत चुके हैं इंशाल्लाह, वो तो उसी वक्त पता चलेगा, पता चलेगा सलमान भाई। जी हाँ, सच जमीन फाड़ के निकलता है।
आते हैं आप सनान भाई टाइम आउट ना हां टाइम आउट आई हैव सीन दैट वीडियो जब मैंने देखा था बिकॉज़ कह रहा था हद में रहना मेरे साथ अब टाइम आउट बोल भी किसको रहा है यू डोंट ट्राई व्हाट यू ट्राई इनसाइड विद मी आई एम नॉट ट्राइंग एनीथिंग यू आस्क मी टू डू ये क्या है टाइम आउट क्या है ये किससे बात कर रहे हैं नहीं ये क्या टाइम आउट ये क्या हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारा कुछ सर आप पर्सनली ले रहे हो मुझे इस तरीके से आपसे बदतमीजी करने का कोई मकसद नहीं था मैं अपना अपना बयान कर रहा था और आपको शायद बुरी लगी इसलिए मैं माफी चाहता हूं सॉरी दैट आई ऑफेंडेड यू दो मिनट में शांत आपको बड़ा शौक है ना बाहर की बातें घर में करने की चलो अपने बारे में कुछ बताओ 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 तुम्हारे खानदान में कौन कौन है मॉम डैड बहने और भाई और स्टॉप इट गेट सम हेल्प भड़क गए थे सर आई हैव नोन यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रश्मि दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस राइट नाउ द मैरिज या चाइल्ड चाइल्ड ने बीच का बताया और पहले का नहीं बताया इसमें छुपाने की क्या बात थी एक पास्ट है और हाँ रश्मि रस्ते पे थी बैंकक्रप्ट थी शी इज अ वेरी बिग टेलीविजन पर्सनालिटी आप ये कहते हो तो आप खुद बेवकूफ और स्टूपिड लगते हो कहते हो ये खुद अपने बलबूते पे आई है और आप इसके बलबूते पे यहाँ पर आए टू टायर्ड मैन भाई तो फिकर ना करो पूरा पोल को डाला था मैं शादी से जाता हूँ That Zubair Khan historical fighter bhai tha re kasam khuda nalla bhai tane bana diya na mera naam Salman hai what the fuck bhai dikhata hu tere ko main kya karta hu dongli ka gunda hai na tu that was bad dekha hoga I know that ye jo outdated molle ki bhasha hai na ye leke mat chal tu wo jo tune dining table bola tha bandar uska बोलेगा मेरे को सिद्धार्थ जी आप में बहुत गुस्सा है बड़े लंबे चौड़े हो आप कभी आजमाना चाहोगे आप बाहर आ जाओ तो आजमा लेना कभी ओपनली चैनल आज का लिखा थैंक गॉड मैं यहाँ पर हूँ घर में नहीं बट हमारे यहाँ पर दो फाइटर्स हैं कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं मारना है तो यहीं पे मारो ना क्या होगा शो से निकल जाओगे ना व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी आप चुप ही बैठो तो अच्छा होगा भाई एक दूसरे को प्रोवोकेट करो एक बार भी ऐसा किया आई एम रेडी टू वॉक आउट राइट नाउ नासिम यू विल हैव टू वॉक आउट राइट नाउ या मेरा मुंह तो निकल गई क्या बताऊं मेरा मुंह तो निकल गई मेरी जबान टूट गई हाथ नासिम तुमको तुम्हारी खुद की वॉइस इरिटेट नहीं करती क्या ऐसे आप मत जाओ इरिटेट नहीं करो अभी एक बार तारीफ क्या करके चले गए तुमने तो उसको अलग ही लेवल पर लेके चले गए जो भी था उसने तारीफ किया हुआ था सेलिब्रेट ने प्रियांक के साथ भी हुआ था आपके घर में कौन कौन है प्रियांक मॉम डैड और यंगर सिस्टर आपकी माता का वजन क्या है मोटी है हाँ मोटी बना दो आपकी माँ भाग सकती है नहीं बेसिकली ये आपको लगा था कि शिल्पा कैप्टन बनने के मोटी बनाया आपके घर का पूरा काम काज कौन करता है यहाँ पर कौन किचन में रहता ज्यादा करता शिल्पा जी कैप्टन बनने के लिए या किसी एक ऐसे पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको पीटी उषा बेन जॉनसन बनने की जरूरत है या यू नीड टू हैव अ गुड माइंड एंड अ गुड हार्ट दीपिका पादुकोण तो पूछूं जी पहला सवाल ये है आप किसके साथ लिफ्ट में अटक जाना चाहोगी लिफ्ट रुक जाती है ना तो किसके साथ लिफ्ट में रुकना चाहोगी चलो आपके साथ ही अटक जाती हूँ वाह देखो हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है अगर ये सवाल आप मुझसे पूछिए आप किसके साथ अटक जाना चाहते हैं मैं भी अपने आप के साथ अटक जाना चाहता हूँ बोल के ले डाली भाई क्या मुर्शिद
बजाओ। ओके स्माइल तो किलिंग भाई साहब। क्या तो ये था वीडियो, थोड़ा स्पेशल है और थोड़ा सा बड़ा भी है। तो आई होप कि इफ़ यू आर बिग फैन ऑफ सलमान खान तो सीजन 4 से लेके अब तक जो फनी सीन थे चाहा कि उस पर रिएक्शन दे, कुछ नया ट्राई करे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना, और कौन सा सीज़न आपको ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा, या फिर ये वाला है सीज़न 4 सीज़न 5। मुझे तो सीज़न 4 बहुत सही लगा था, उसमें बहुत सारा फाइट भी था और बहुत सही था सीज़न 4 फॉर मी। आप अपना ओपिनियन शेयर करो और अपना फेवरेट मोमेंट बताओ, और बताओ कि फेवरेट कपल कौन निकला बिग बॉस से। ओके तो आज के लिए इतना करते हैं, हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम द देसी बॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।